जय श्री राम। सिद्धार्थ भाई के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आज हम होली के बाद फर्स्ट टाइम श्री राम मंदिर गेम प्ले करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हम श्री राम मंदिर गेम खेलने वाले हैं, बट होली के बाद फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो गाइज हमने हिंदी की लैंग्वेज सिलेक्ट कर लिया है और अभी हमको फूल को इकट्ठा करना है। तो गाइज अब आप सोच रहे हो कि भाई मैंने हिंदी क्यों सिलेक्ट किया, तो गाइज मैं जब भी गेम प्ले खेलता था तो मैं इंग्लिश सिलेक्ट करता था। मेरे को एक कमेंट आया कि भाई आप जब भी श्री राम मंदिर गेम प्ले खेलते हो तो भाई इंग्लिश करते हो, तो एक बार हिंदी में भी करके खेलो यार, हमको भी पता चल जाएगा कैसे खेला जाता है। ठीक है, तो गाइज इसीलिए मैंने लैंग्वेज को हिंदी में किया है। तो गाइज देख सकते हो आप कितना अच्छा ग्राउंड है श्री राम मंदिर गेम का, जो कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, और जूता क्षेत्र भी इधर है। और देख सकते हो आप भाई क्या एकदम ओपी तगड़े लेवल का, भाई यहाँ पे सिक्योरिटी गेट बना रखा है जो सुरक्षा द्वार होता है। ठीक है, इसको हमको अनलॉक करना है, खोलना है। ठीक है, तो अभी देखिए सुरक्षा द्वार हम यहाँ पे अनलॉक कर देते हैं। और साथ ही गाइज अभी हम अपना मंदिर का निर्माण करते हैं, जो कि नाम है श्री राम मंदिर। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हो आप सिक्योरिटी जो द्वार है हमारा वो कितना अच्छा है भाई, सुरक्षा द्वार है। यहाँ पे लड़ियाँ लग रही है कुछ भाई, अलग ही तरीके की है, नहीं फूल है बट अलग ही है कुछ, नीला रेड मतलब लाल नीला, भाई अच्छा लग रहा है एकदम ओपी लेवल का। तो चलिए अपने मंदिर को भी, मंदिर का भी निर्माण कर लेते हैं। तो गाइज अभी हमारे लगने वाले हैं 100 फूल, तो चलिए अभी लगा लेते हैं अपने 100 फूल खर्च करके। तो देख सकते हो गाइज कितना ओसम मंदिर है हमारा। ठीक है, तो अभी भाई खेलते जाएंगे और इस मंदिर को भी अपग्रेड करेंगे, बिल्कुल ही हॉपी लेवल का बनाएंगे। ठीक है, फुल अपग्रेड करेंगे इसको, ऊपर छत वगैरह पिलर पुलर सब खड़े करके गाइज। और यहाँ पे देख सकते हो आप गुब्बारे, हैप्पी होली का यहाँ पे आपको दिख रहा है गाइज, बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई इस अपडेट में। भाई वाओ एकदम ओपी लेवल का अपडेट आया गाइज, होली का जो अपडेट आया ना इसमें बहुत ज़्यादा डेकोरेट कर दिया गया है गेम में, जो कि देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी यहाँ पे एक रैग खोलनी पड़ेगी हमको जूते रखने के लिए। ठीक है, और अभी हमको मिनिमम 10 जूते अभी के लिए यहाँ पे भक्तों से लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे खड़े होकर 10 ले लेता हूँ गाइज, फिर उसके बाद में उठाकर उनको रैग में धरेंगे जो कि हमारे खन्ने हैं, और उनमें से जो हमारे भक्त हैं उनको पैर पैर के चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह भाई हम काम करेंगे इस गेम में, जो जो ये कहता रहेगा। ठीक है, आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है गाइस गेम खेलने में, बट ये आपको पहले से ही बताता रहता है ऊपर स्क्रीन पर कि भाई आप जूते ले ओ, उठाओ मतलब। ठीक है, और जैसे ही आपका सबसे ज़्यादा जो एक उठा सकते हो आप 2 उठा सकते हो, तो ये अधिकतम बता देता है कि भाई आप इतने ही उठा सकते हो। ठीक है, और जाकर फिर उसको रैग में धर दो, बस इतना ही तो काम है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है गाइज। और अगर आपको फिर भी ये गेम खेलना नहीं आता है तो भाई मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा बिल्कुल एक एक स्टेप करके, स्टेप 2। ठीक है गाइज, A to Z स्टेप बताऊंगा गाइज, कैसे आपको खेलना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे क्या करना है, कैसे अनलॉक होगा। ठीक है भाई, मतलब जो कैसे 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 होता है ना वो सब कुछ आपको बताऊंगा अगर आप मेरे को कमेंट करते हो। ठीक है दोस्तों, तो गाइज फाइनली मैं तो गेम खेल ही रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है ये गेम। और ये कह रहा है कि भाई पंडित जी को अपग्रेड करिए। ठीक है, तो गाइज हम यहाँ पे 30 फूल खर्च करके एकमात्र, और यहाँ पे जो आपका अधिकतम होता है ना मतलब सामान को एक ही उठा सकता है, तो अब हमारे 2 सामान उठाएंगे। मतलब अगर मैं यहाँ से शूज़ को उठा दूँ तो अभी देख सकते हो आप 2 उठ गए हैं, और रैग में भी 2 ही धरे जाएंगे, पहले मैं 1 उठाता था। ठीक है, तो गाइज मैं फटाफट से ले जा लेता हूँ, रैग में धर देता हूँ, जिससे कि भाई मेरी कमाई जो है फूल की बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए, और फिर मैं अपने जो होर स्थान है उनको भी अनलॉक करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी देख सकते हो आप, और अभी बोल रहा है पंडित जी को दोबारा अपग्रेड करें। ठीक है, अपग्रेड, ओ नया नया कर्मचारी आप इसमें जोड़ सकते हो गाइज, हेल्पर बोलते हैं जिसको। ठीक है, कर्मचारी ऐड करने के बाद में भाई मेरा काम एक ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं एक ही करूँगा ओनली, जूते उठाकर रैग में धरने का। ठीक है, जो खिड़की आए हैं, खिड़की नहीं गाइज, जो रैग हैं जिसमें सामान धरा जाता है उनमें मैं जूते धरूंगा ये। ठीक है, भक्तों के जो जूते होते हैं, तो अभी मैं रख लेता हूँ गाइज। भाई एक बात बता दूँ ना, मंदिर में अगर आप जाते हो तो भाई सेवा करनी चाहिए। ठीक है, और मैं फाइनली अभी मैंने यहाँ पे फ्री में सब कुछ सामान ले लिया है, जो कि डेली डेली बोनस होता है। ठीक है, जो डेली बोनस होता है गाइज वो मैंने ले लिया है फ्री में, वो तो फ्री मिलता है गाइज। ठीक है, और साथ ही आप इसमें परचेज भी कर सकते हो, मान लिया आपके गेम में जब ऐड आता है ना तो आप उस ऐड को भी परचेज कर सकते हो, पैसे खर्च करके अगर आप उसको परचेज कर लेते हो तो भाई आपके गेम में ऐड नहीं आएगा। ठीक है, बट भाई मेरी तरफ से राय है
कि भाई आप परचेज मत करना, क्योंकि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड का ऐड आता है, तो उसके लिए आप पैसे मत खर्च करना। और अगर आपके पास पैसे हैं, फालतू है, ज़्यादा है, तो आप उसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस पंडित जी को दोबारा से अपग्रेड करते हैं, अभी जाते हैं, नहीं भाई दूसरा हेल्पर ऐड करेंगे, जिससे कि हमको हमारी मतलब हमारी वहाँ पे ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, फ्री में कर लेते हैं। क्योंकि जो शुरू के जो दो हेल्पर हैं ना गाइस, वो फ्री में मिलते हैं, ठीक है, वो फ्री में मिलते हैं, तो वो ले लेने चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका कोई भी फूल खर्च नहीं होगा, और कोई भी आपकी राम नाम की जो ईंटें हैं, वो मतलब जो राम मंदिर बनाने की जो ईंटें हैं, वो भी ख़त्म नहीं होगी, वो बिल्कुल फ्री में लग जाता है। और साथ ही अभी मंदिर का निर्माण करें, मतलब गाइस मंदिर को अपग्रेड करते हैं, ठीक है, और ज़्यादा इसमें पिलर लगाते हैं, छत लगाएंगे, ठीक है। तो अपग्रेड करने के लिए हमको 15 ईंटें लगी, और देख सकते हो आप अभी यहाँ पे पिलर खड़े हो गए हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो गाइस फाइनली अभी 200 ईंटें और यूज़ करके इसके ऊपर छत भी आ जाएगी, ठीक है, 1 फ्लोर बन जाएगा। फिर दोबारा अगर उसको अपग्रेड करेंगे तो 2 फ्लोर बन जाएगा, 2 फ्लोर, ठीक है। तो गाइस अभी हमारे पास जो फूल है वो बहुत ज़्यादा कम है गाइस, तो फटाफट ये जो मेरे हेल्पर्स हैं वो काम कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए मेरे को यहाँ पे काम करने के लिए, क्योंकि गाइस अभी यहाँ पे थाल एरिया भी खोलना है, पूजा थाल एरिया, और भी बहुत सारे यहाँ पे भंडारा है, और भाई मतलब बहुत सारी है। और गाइस बाद में मैं आपको इस गेम में मतलब जब मेरा मन करेगा कि भाई बंद कर दूँ इस गेम को, मतलब आज के लिए इतना ही बहुत होगा, तो तब मैं आपको लास्ट में गाइस इस गेम का जो पूरा डेकोरेट अपडेट है ना, जो जो अपडेट में आया है वो सब कुछ दिखाने वाला हूँ पूरे ग्राउंड में घूम के, ठीक है। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। सो गाइस फटाफट से मैं यहाँ पे पैसे याद आता है, क्योंकि गाइस आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है पैसा, तो इसलिए भाई पैसा याद आता है, जो फूल है वो भूल जाता हूँ मैं, ठीक है। तो गाइस फाइनली देख सकते हो आप, अभी ये देखिए बोल रहा था गाइस ऐड को यहाँ पे $20 देने के बाद में $20, तो गाइस आप ऐड को बंद करा सकते हो। तो भाई मैं पैसे तो खर्च करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि गाइस 15-20 सेकंड का ऐड आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी ठाली तो हैं ही हम। और अगर आप भी हो तो भाई पैसा मत खर्च करना, ठीक है। और भाई अभी तो यहाँ पे देखिए पूजा थाली क्षेत्र भी हमको खोलना है अभी, ठीक है। तो गाइस फाइनली अभी हमारे पास है 82 फूल्स, और अभी हमको लगभग 300 फूल चाहिए, ठीक है भाई। पूजा थाल एरिया हमको अनलॉक करने के लिए गाइस, उस क्षेत्र को खोलने के लिए हमको 300 फूल चाहिए, और 300 फूल करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है भाई अभी शुरुआत से गेम में, ठीक है। और जब सब काम स्टार्ट होता है ना, फिर फटाफट फूल मिलते रहते हैं, क्योंकि गाइस हमारी जो कमाई है ना फूलों की, वो ज़्यादा होती जाती है जैसे ही हमारा पूरा गेम अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस फाइनली अभी मैं फटाफट मेहनत कर रहा हूँ भाई, जूते यहाँ से उठा कर रैक में धर रहा हूँ, और अभी हमारे लगभग जो है 80-85 फूल हो गए होंगे बाहर। तो हाँ गाइस हमने ले लिए हैं, 80-85 तो हुए नहीं थे, कम ही थे, ठीक है। तो गाइस फाइनली अभी देख सकते हैं आप, जो धरती पर जो रंग है ना गाइस अपग्रेड के बाद में, बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप तो देख ही रहे होंगे कितनी देर से गाइस। और साथ ही गाइस अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो गाइस अभी मैं पूरा गेम दिखाने वाला हूँ आपको, अपडेट में क्या क्या है। तो गाइस देख सकते हो आप, सिक्योरिटी गेट कितना अच्छा था, जो सुरक्षा द्वार है वो बहुत ही अच्छा ओपी लेवल का था, ठीक है, ओपी लेवल का है गाइस, था नहीं, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस हवन स्थल भी है, और यहाँ पे ध्यान स्थल भी है, ये आपको अनलॉक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप खेलते जाओगे अनलॉक करने पड़ेंगे गाइज आपको, और मैं भी अनलॉक करूंगा, ठीक है। तो गाइज अभी आपको पूरा ग्राउंड दिखा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा ग्राउंड बना रखा है, मतलब जो भी ये जगह है राम, जो राम मंदिर है उसकी जो चारों तरफ का डेकोरेट कर रखा है वो दिखा रहा हूँ आपको पूरा। आप अपडेट में क्या क्या है देख सकते हो आप दोस्तों, छतरियाँ मतलब ये छाता है कुछ टाइप का, वो यहाँ पे देखो होली के अपडेट में क्या डेकोरेट कर रखा है गाइज, बहुत ही अच्छा। देखिए रंग धरे हुए हैं पीछे भाई, कुछ छाता मतलब घर वगैरह बना के टपरी है ये। सो गाइज अभी नेक्स्ट जो अपडेट आने वाला है ना दोस्तों, नेक्स्ट जो अपडेट आने वाला है उसमें लगता है शायद भाई ये जो रंग है ना वो हाथों में उठा उठा कर फेंकने पड़ेंगे, होली खेलेंगे यहाँ पे लगता है नेक्स्ट अपडेट में। क्योंकि गाइज जो अपडेट आते हैं ना गेम में भाई, वो थोड़े बहुत मतलब सोच समझ के दिए जाते हैं ना, तो इसीलिए होली तो पहले चली गई,
बट अभी बाद में लगता है कि भाई होली से रंग से खेलना पड़ेगा भाई, ठीक है, मतलब अपडेट आ सकता है रंग से खेलने का इसमें। तो गाइज अगर कमेंट करोगे तो जल्दी आ जाएगा वीडियो में, ठीक है। तो कमेंट में बताइएगा किस किस को चाहिए होली से खेलने वाला अपडेट, ठीक है दोस्तों, जो वे रंग धरे हैं उनसे खेलने के लिए अपडेट। और गाइज फाइनली अभी के लिए, आज के लिए इतना ही बहुत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट पार्ट में। और दोस्तों अगर आपको इस गेम से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो मेरे कमेंट कर सकते हो। और साथ ही गाइज सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, गाइज इस गेम का न्यू अपडेट आ चुका है दोबारा से फिर, क्योंकि जो आपके क्रशिज थे वो सभी क्लियर हो चुके हैं, तो जाइए जल्दी से अपडेट कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो, ये गेम प्ले जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऊपर सेट कर लेना, ताकि हमारा जो नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आपने इतनी देर तक मेरी वीडियो देखी, तो मिलेगा शानदार वीडियो साथ अगली वीडियो में। गुड बाय।